अभी जो आपने धुन सुनी ये बैक पाई की धुन है, और किस तरह से ये पाई जो है बैक पाइपर में कन्वर्ट हुआ और क्या इसकी हिस्ट्री है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो 1914 में जो है ये बैक पाइपर जो है ब्रिटिश जो स्कॉट्स है जो है हिंदुस्तान में आए थे, और उस टाइम पर जो है ये जो बैक पाइपर आज जो उस टाइम पर बजता था ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान जहां जहां पहाड़ी इलाके थे वहां सब जगह बजता था। उसके बाद फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर जो ब्रिटिशर इस बैक पाइपर को लाए 1945 में, और उस दौरान जो है ये बैक पाइपर जो है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में पहुंचा, और पहाड़ों में पहुंचकर जो है ये पहले हमारे सेना का हिस्सा बना, हमारे सेना में आज भी ब्रिटिश सेना में बजता है, तो आज भी हमारे फौज में ये धुन बजती है। उसके बाद इस धुन को जो है कहीं ना कहीं इस धुन ने जो है एक जब पहाड़ों के साथ पहाड़ी एरिया से स्कॉटलैंड से इंडिया आया और पहाड़ में रहकर इस धुन की कहीं ना कहीं एक जो है एक गूंज आई, और जिस तरह से आज ये हमारे लोक कला के अंदर जो ये धुन बसती है तो एक तरह से ये जो आज हमारे पारंपरिक चीजों का एक धौर बन चुकी है। और उसके बाद जो है इसका फर्स्ट नाम जो है वो मशाक था, मशाक जो है एक नेपाली वर्ड था, तो नेपाल में पहले ये बजाया गया था और उसके बाद फिर नेपाल से जो है धीरे धीरे करके जो है ये पूरे जो है हमारे हिंदुस्तान और हमारे उत्तराखंड में जो है आ गया है, और आज हमें गर्व से कहते हैं कि जो है इसको यहाँ पे मशक बीन कहते हैं, कहीं पे इसको मशक बाजा कहते हैं, कहीं पे इसको जो है मशुक बाज कहते हैं, और आज हम सभी लोग जो है जब भी हमारे कोई भी घर में पवित्र काम होते हैं, कोई भी हमारे जो है काम, कोई भी शादियां होती है, बारात होती है, कुछ भी धार्मिक काम होते हैं जो हमारे शुभ कार्य होते हैं तो वहां पे जो है मशक बीन जो है बजाया जाता है। और इस मशक बीन ने एक हमारे जो ढोल दमाओं के साथ एक तरह से जो एक रिदम था, पहले हमारे इसके साथ एक तितरी बजती थी और इसके साथ रणसिंगा बजता है, बट मशक बीन का जो है एक अलग ही महत्व है। और क्यों ना जो है हम आज जो इस मुहिम को लेकर आए हैं कि जो है हम इस मशक बीन से जो है हम लोगों को किस तरह से एक रोजगार मिल सकता है, जो हमारे उत्तराखंड के जो हमारे युवा हैं वो इसको सीखने के बाद जो है किस तरह से जो है आज पूरे वर्ल्ड में जो है हमारे जो उत्तराखंड का अपना डंका बजा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं महिपाल सिंह रावत और हमारे साथी हरी शर्मा जो है, धन्यवाद।